नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो पीएसयू बैंक के शेयर्स हैं उनके अंदर काफी गिरावट अपन को देखने को मिली, उसके कारण के बारे में बात करेंगे। तो आज कल के दिन आरबीआई ने एक प्रपोजल लाया था टाइटनिंग नॉर्म्स का, जो कि प्रोजेक्ट लेंडिंग के लिए हायर प्रोविजनिंग को शो कर रहे हैं। उसके अंदर क्या हुआ है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लोन्स दे रखे हैं अपन ने, जो कि कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर जो काम चल रहा है उसके अंदर, जो पहले होता था कि 0.4% से स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग होती थी, जो अभी बढ़ा के उन्होंने 5% से प्रपोज की है, तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है आज अपन उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या था आरबीआई प्रपोजल के बारे में, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आरबीआई ने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है प्रोजेक्ट्स की, जो कि कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर थे, उनके अंदर हाई प्रोविजनिंग यानी 5% की प्रोविजनिंग का प्रपोज किया है, जो कि पहले 0.4% थी सिर्फ। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ है कि जैसे ही वो फेज कंस्ट्रक्शन फेज से हटके ऑपरेशनल फेज में आएगा तो आप रिड्यूस कर सकते हो उसको 2.5% तक कर सकते हो, और उसके बाद जैसे ही और कंडीशन मीट हुई तो आप उसको प्रोविजनिंग है वो 1% तक भी रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल इम्पैक्ट क्या आएगा, जैसे ही मार्केट में आरबीआई की न्यूज आती है 5% तक पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो डाउन आ जाती है। उसमें आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब में शेयर्स में अपन को गिरावट देखने को मिली। तो आरबीआई का जो जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का 5% प्रोविजनिंग का अनाउंस हुआ, वैसे ही यहाँ पे अपन को गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। एसबीआई का शेयर और ये पंजाब नेशनल बैंक का शेयर, केनरा बैंक का शेयर, लगभग कुछ कुछ शेयर 6% तक भी टूटे जैसे ही आरबीआई ने ये अनाउंस किया नॉर्म्स। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये आरईसी लिमिटेड के और पीएफसी लिमिटेड का शेयर तो लगभग 9% तक गिरे, 8.93% तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर गिरा, आरईसी का शेयर 7.35% तक अपन को गिरता हुआ दिखा। जिस अब आप देखेंगे कोई शेयर कम गिरा है, कोई शेयर ज्यादा गिरा है, इसका कारण ये है कि जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ज्यादा बांट रखे हैं उनको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए उनका शेयर ज्यादा गिर गया। जिन्होंने कम प्रोविजनिंग कम इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बांट रखे हैं उनको कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए उनके शेयर कम गिरे। अब जैसे एसबीआई का शेयर सिर्फ 2.86% गिरा है, इसका मतलब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो कि कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है वो बहुत कम बांट रखे। और पावर फाइनेंस है जो ज्यादातर लोन्स उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर ही, इसलिए 8.93% गिरा। आरईसी में भी सेम ऐसा ही है। उसके बाद अगर अपन एसबीआई के शेयर की बात करें तो कल के दिन 2.84% शेयर गिरा है। वही कारण है जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आरबीआई ने ये अनाउंस किया कि वो जो ये नॉर्म्स है उनको टाइट करके 5% तक जो स्टैंडर्ड एसेट्स है वो 0.54% से जिनकी प्रोविजनिंग होती थी वो अब 5% कर देंगे, तो उनसे क्या होगा, प्रोविजनिंग का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो प्रोविजन का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे बिल्कुल इंपैक्ट आएगा। जो प्रॉफिट है बिफोर प्रोविजनिंग था वो मान लो जैसे 10,000 करोड़ का है, प्रोविजन से जैसे मान लो पहले 500 करोड़ जा रहे थे, 9,500 करोड़ रुपए बच रहे थे एसबीआई के पास, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये। उसके बाद में अगर मान लो अभी प्रोविजनिंग की वजह से मान लो वहां 1,500 करोड़ माइनस होता है तो वहां 8,500 करोड़ का ही पड़ेगा, तो वहां काफी एक बड़ा इंपैक्ट आता है इसकी वजह से। तो इसके लिए वो शेयर्स में आपको डिप देखने को मिला है। और मार्केट अभी आजकल इतना इतना जो न्यूज आती है उसको इतनी जल्दी डाइजेस्ट करता है। आप ये देखिए न्यूज आते ही मार्केट ने जो जो उसके परसेंटेज थे उसको बिल्कुल उसी तरीके से कर लिया और मार्केट तुरंत डाउन आ गया और उस न्यूज को पूरा एडजस्ट कर लिया है मार्केट ने। वैसे ही अगर अपन देखेंगे पीएनबी का शेयर 6% तक डाउन अपन को देखने को मिला, केनरा बैंक का शेयर अपन को वहां पे 5.5% के अराउंड डाउन देखने को मिला, पीएफसी शेयर जिसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बहुत बांट रखे हैं 9% के आसपास गिरावट देखने को मिली। वैसे ही शेयर के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 29 मई के आसपास ये 400 रुपए के आसपास चल रहा था, वहां से इसने 485 तक का हाई लगाया पिछले 3-4 दिन में, काफी तेजी देखने को मिली थी और ये न्यूज आने की वजह से बिल्कुल गिरावट आ गई। कल भी गिरा था शेयर और आज भी ये 2-1% नेगेटिव देखने को अपन को मिल रहा है, तो हो सकता है ये अपन को थोड़ा 1-2 दिन और नेगेटिव देखने को मिले। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो आरईसी लिमिटेड है, वो भी शेयर 9% तक गिरता हुआ दिखा, पहले तो उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, फिर मार्केट ने शाम तक थोड़ी रिकवरी करी थी, फिर भी 9% के अराउंड नेगेटिव दिखा है। आप इसमें भी देखेंगे तो 2-3 दिन पहले इन्होंने इसने भी शेयर ने काफी तेजी दिखाई थी, जो इस जैसे ही नॉन्स अनाउंस हुए तुरंत तेजी की जो बड़ा बड़ा हुआ शेयर था वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, 9% तक नीचे आपको देखने को मिला है। आपको ये नॉर्म्स है उसकी वजह से जो शेयर्स में गिरावट देखने को मिली, तो वो तो बिल्कुल इसलिए हुई है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा इन कंपनीज के लिए। तो ऐसा नहीं है ये तुरंत इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मार्केट जो जैसे न्यूज आती है उसको बिल्कुल कवर अप करने के लिए बिल्कुल मूवमेंट आ जाता है। आप शेयर्स के अंदर अच्छी न्यूज आती है मार्केट तुरंत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा देता है, जैसे नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट तुरंत डाउन आ जाता है, इसकी वजह से ये हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स।